नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आराध्रक में। दोस्तों सबसे पहले तो मैं एक कमेंट्स जो है वो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। हमारे एक भाई ने वो कमेंट्स किया है, उसने कहा है कि भैया आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा धूप के बारे में, आरती के बारे में, किस तरीके से धुनजी धूप से पूजा किया जा सकता है और ऐसे ही धूपों से जैसे किस तरीके से जो है ना प्रतिदिन की पूजा, विशेष विशेष जो पूजा होती है उसमें हम अलग अलग भगवान को अलग अलग क्या क्या धूप चढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस बारे में आप हमें ज़्यादा जानकारी दीजिए। क्योंकि दूसरे कई विषय है जो हमें दूसरे कई सारे वीडियोज से मिल जाता है और कई विषय के ऊपर है, पर इस विषय के ऊपर थोड़ा कम जानकारी मिलता है दूसरे जगहों से। इसलिए जो है मैंने आपके यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे लगा कि इस बारे में भी और जानना चाहिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादातर वीडियो इसके ऊपर बनाने की कोशिश करिए। तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं वही कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादातर धूप के ऊपर, आरती के ऊपर जो है ना वीडियो बनाकर देने की, क्योंकि मेरा चैनल ही धूप आराध्रक है। हाँ, उसके साथ साथ कुछ दूसरे विषय भी आ जाते हैं क्योंकि कई समय जो होता है ना कई सारे विषयों को क्लियर करना होता है, पर मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से धुनजी धूप के बारे में अलग अलग पूजा में, विशेष पूजा में जो है धूपों के विषय में मैं जानकारी दूँ, ताकि आप उससे पूजा करके बहुत सहज और सरलता से पूजा करके जो है ना भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। और धूप के साथ मैं हमेशा धूप आरती के बारे में भी कहता हूँ, जो कि धुनजी धूप और पंचदीपक से होगा। तो यही विषय पर ही मैं मूल रूप से काम करता हूँ। तो आज भी मैं उसी के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ दोस्तों, जो कि है कि आप भगवान शिव को जो है ना, वैसे तो शुरू हो गया है सावन के ए जो उस सोमवार की पूजा है वो शुरू तो हो चुका है दोस्तों, पर अभी मैं जो मुझे लगता है कि कई लोग ये एक असमंजस में है कि भगवान शिव को किन किन धूपों का जो है ना वो धुनि हम दे सकते हैं और साथ साथ माता पार्वती को भी। क्योंकि जैसे मैंने अष्टांग धूप के बारे में, दशांग धूप के बारे में और षडंग धूप के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, बहुत सारे लोग उसे कर भी रहे हैं और जो नहीं कर पा रहे वो राल धूप से, गूगल धूप से वो धुनी कर रहे हैं। पर उसके साथ शिव पूजा के लिए अगर विशेष धूप का इस्तेमाल किया जाता है ना तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इन विशेष धूप में जैसे कि कपूर भगवान शिव को बहुत पसंद है, तो आप कपूर से जो है ना भगवान शिव को धूप कर सकते। उसके साथ जो बेलपत्र होता है उससे आप कर सकते, जो बेल फल होता है उससे आप धूप कर सकते, आप जो है राल से धूप कर सकते, आप जो है गुगल से भगवान को धूप कर सकते, आप जो है चंदन से भगवान को धूप करिए, अगरू से भगवान को धूप करिए। पर एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हल्दी का इस्तेमाल करते हुए आपको धूप नहीं करना है। जैसे कई समय हम लोग हल्दी का इस्तेमाल करके भी धूप करते हैं ना, कई पूजा में, खासकर लक्ष्मी पूजा में ये धूप किया जाता है और देवी माँ की पूजा में भी कई समय हम लोग करते हैं, पर आपको भगवान शिव की पूजा में जो हल्दी है, जो सूखे हुए हल्दी या पर हल्दी के जो गांठ है उसका धूप आपको नहीं करना है दोस्तों। आपको जो है ना बेलपत्र का धूप करना है, जो सूखे हुए बेल फल होता है उसका धूप आप कर सकते हैं, आप गुड़ से, आप घी से धूप कर सकते हैं, आप शहद से धूप कर सकते हैं, आप राल गुगुल से तो धूप ज़रूर ही करिए, उसके साथ साथ इन सारी चीज़ों को आप मिला लीजिए। और कपूर जो होता है उससे भी अगर आप धूप करते, यानी प्रतिदिन आपको कुछ दूसरे चीज़ें नहीं मिल रहा है तो कम से कम आप राल गूगल के साथ थोड़ा सा कपूर और घी का भी इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसलिए आप भगवान शिव की जब भी पूजा कर रहे तो इन विशेष धूपों का अगर इस्तेमाल कर पाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। उसमें कपूर हो गया, उसमें जो है दोस्तों बेलपत्र का चूर्ण या फिर बेलफल जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे जो वो दूसरे जो चीज़ें हैं वो भी आप इस्तेमाल, बहुत सारे लोग ना भांग भी जलाते हैं, तो मैं आपको कहूँगा आप भांग घर पे कभी भी मत जलाइए। हाँ दोस्तों, आप भांग घर पे कभी भी मत जलाइए, क्योंकि घर पे भांग जलाने से ना वो एक दूसरे प्रकार की वातावरण हो जाता है, तो आपको भांग जो है ना वो घर पे नहीं जलाना है। आप भांग के पत्ते जो है वो भगवान को अर्पण कर सकते, पर भांग अभी कभी भी जो है आपको धूप में, घर पे, गृहस्थ में जब आप पूजा कर रहे हैं तो आपको नहीं जलाना है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि नहीं तो थोड़ा दूसरे तरह के मुश्किल हो जाता है। वैसे तो भांग भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है, पर भांग कभी भी जो है ना आपको धूप में
नहीं जलाना है। आपको बेल पत्र का चूर्ण या फिर बेल फल अगर मिलता है तो आप वही जलाइए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और चंदन और कपूर अगर मिलता है तो वो जलाइए। कपूर वैसे तो मिल ही जाता है, अच्छे वाले कपूर जो भीमसेनी कपूर होता है, आप उसे जला लीजिए ना दोस्तों। ये इतना अच्छा होता है, आपके वातावरण के लिए भी बहुत अच्छा होता है, घर के नेगेटिविटी को भी दूर करता है। पूरे सावन का महीना आप इसे जलाइए, भगवान की आरती करिए, पूजा करिए। और बहुत सारे लोग जो सुबह के समय जब धूप करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास उतना समय नहीं होता है प्रतिदिन, तो हम किस तरीके से करें। तो आप केवल कपूर ही कम से कम जला सकते हैं इस दौरान, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। वैसे तो मैं धुनुची धूप करने के विषय में ही हमेशा कहता हूँ, पर अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप कपूर जलाकर उसमें थोड़ा घी दे दीजिए और वही जो है ना भगवान शिव को उससे आरती आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया सहज, पर मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा आप थोड़ा मेहनत करना होता है। ऐसे ना बहुत सारी चीज़ें आप बहुत सरलता से अगर करेंगे, यानी सरल चीज़ों की भी हमेशा हम बस सरल बनाने की कोशिश में जुटे रहेंगे तो मुझे लगता है इससे जो है ना पूजा का संपूर्ण जो फल वो कभी नहीं मिल सकता है। और पूजा करके आपके मन को जो तृप्ति, वो जो बहुत बड़ी बात है, वो भी हर समय नहीं मिल पाता है। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा दोस्तों। सहज और सरल विधि को भी आप अगर तोड़ मरोड़ते रहेंगे, यानी उसका भी एक शॉर्टकट खोजते रहेंगे, तो मुझे लगता है उस पूजा का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि धुनुची धूप में गोबर के कंडे हो या फिर नारियल के छिलके, क्योंकि गोबर के कंडे कई समय जो है ये बरसात का मौसम है तो थोड़ा जलने में मुश्किल हो जाता है। तो आप नारियल के छिलके का उपयोग कर सकते हैं, घी के साथ कपूर या घी के बाती के साथ भी आप उसे जला सकते हैं। पर धूप में जो है ना आपको वो धुनुची धूप ही अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है। कपूर और घी का जो मैंने आपको बताया वो वैसे एक शॉर्टकट प्रोसेस है। अगर आपके पास बिल्कुल समय है ही नहीं किसी दिन, यानी किसी दिन आपको शायद बहुत व्यस्तता हो कि आप धुनुची धूप कर ही नहीं पा रहे उस दिन थोड़ा समय लेकर, तो उस दिन आप इसे कर सकते हैं। वरना जो है आप कोशिश करिए धुनुची धूप जलाकर अष्टांग धूप से, दशांग धूप से जो है ना भगवान की धूप करने की, षडंग धूप कम से कम कर लीजिए। षडंग धूप में आप जो है एक काम कर सकते हैं, भगवान शिव को और माता पार्वती को देने के लिए आप जो है ना आप जैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो तो बनाया है, पर फिर भी शिव जी को केवल स्पेशली करने के लिए, यानी विशेष रूप से आप शिव जी को केवल धूप करने के लिए आप जो है कपूर ले लीजिए, राल ले लीजिए, गुगुल ले लीजिए दोस्तों, उसके साथ अगरू ले लीजिए, चंदन ले लीजिए और बेल पत्र का चूर्ण या फिर बेल फल जो है वो आप ले सकते हैं, या फिर दोनों ही आप ले सकते हैं। शमी जो होता है, शमी के जो पत्ते होते हैं उसका भी आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, ये कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शमी को वो क्या हम धूप में जला सकते हैं, हाँ बिल्कुल जला सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है ना भगवान शिव के धूप करिए, उनके आरती करिए। आरती के लिए वैसे मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास आरती आप केवल कर रहे हैं तो आरती के लिए आप अगर बहुत सारे ऐसे धूप सामग्री आप जुगाड़ नहीं भी कर पा रहे, केवल आरती अगर आप कर रहे हैं, वैसे ये धूप सेवा के लिए, आरती के लिए, सभी चीज़ के लिए तो जो मैंने बताया आपको वो इस्तेमाल कर सकते, पर केवल आरती लोग करते कि केवल जो है भगवान की आरती कर रहे हैं, उसमें अलग से कोई पूजा वगैरह प्रतिदिन नहीं कर रहे हैं, केवल आरती करेंगे धूप दीप से, तो उसमें आप कम से कम जो है ना राल और गुगुल का इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा कपूर अगर उसमें आप दे पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। पर आरती अगर आप प्रतिदिन कर रहे हैं ना तो भी मैं आपको कहूँगा आप धुनुची धूप और पंचदीपक का इस्तेमाल करते ही जो है ना भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करिए दोस्तों। तो यही था धूप के विषय में। धूप के विषय में आपको भगवान शिव को कपूर, चंदन, अगरू, राल, गुगुल, बेलपत्र चूर्ण, बेलफल चूर्ण, ये सारी चीज़ें आपको भगवान को देना है, उससे भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं दोस्तों। तो ये था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर ना बहुत सहज और सरलता से आप लोगों से बात करता हूँ, ये विषय आप लोगों को कैसा लगता है वो भी मुझे कमेंट्स करके एक दिन ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।